तो गाइस आप लोग सोचते होंगे कि माइंड रीडिंग कैसे सीख सकते हैं, कैसे हम माइंड रीडर बन सकते हैं। तो आपका भाई आपके लिए लेके आया है माइंड रीडिंग कोर्स, जिसके अंदर आपको काफी यूनिक और पावरफुल मेंटलिज्म का बेसिक टू प्रो सारे आइडियाज देंगे, काफी यूनिक लेवल का, जो स्टेप बाय स्टेप मैंने अपने कोर्स में सिखा रखा है। तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल मेंटलिज्म मैं आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं, और फिर मैं आगे बताऊंगा अगर आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले आज का मेंटलिज्म इफेक्ट देख लेते हैं। मेरे पास है 1 deck of cards, मेरे पास है 1 pads एंड नॉर्मल पेन। अब मैं सबसे पहले दिखाऊं कृष्णा को, सारे डिफरेंट कार्ड्स हैं, दिस इज 8 of hearts, 6 of hearts, 10 of hearts, ऑल आर डिफरेंट, यस ऑल आर डिफरेंट, यस ऑल आर डिफरेंट। मैं सबसे पहले यहां पर कुछ प्रिडिक्ट करूंगा। ओके मेरी तरफ देख। ओके आई थिंक गुड चॉइस। आई थिंक गाइस ये जो माइंड रीडिंग का सिचुएशन होता है काफी अमेजिंग होता है, क्योंकि जो थोड़ी देर में होने वाला है वो पहले से प्रेडिक्ट करके रखना, ये काफ़ी अमेजिंग माइंड रीडिंग होता है ना। पेन पे भी इस टाइम पे इंक ख़त्म हो गया, चलो कोई ना, मैंने अच्छे तरीके से इसको प्रेडिक्ट कर दिया है। अब ये काफ़ी यूनिक लेवल का होता है, और मैंने यहाँ पर तेरे लिए कुछ प्रेडिक्ट किया है। ओके जो मैं इसको फोल्ड करूँगा और तुझे दे दूँगा, कहीं सेफ जगह पर रख ले जहाँ से कोई भी चुरा नहीं सकता, चेंज नहीं कर सकता। मेरा पॉकेट से ज़्यादा सेवर कहा होगा। ओके गुड ओके अब मैं सारे चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ। अब देख मैंने तुझे जो प्रेडिक्ट करके दिया है, मैंने वहाँ पर कुछ लिख रखा है, वो मैं चेंज नहीं कर सकता। मेरे पॉकेट में, तेरे पॉकेट में है। अब तुझे करना क्या होगा, तुझे 1 से लेकर 52 के बीच में, यानी कि 1 से लेकर 52 के बीच में कोई भी एक नंबर चूज करना होगा। कोई भी, एनी नंबर 52 के बीच में। चलो ओके, हाँ कर दिया। बोलो 22 चेंज करना चाहते हो? यहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन 25 यस ओके 25 फिक्स। हाँ फिक्स। ओके गाइस वॉच, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यस तुम भी गिनो ताकि सही रहे। 20 23 दिस इज योर चॉइस। यस अब देखो रेंडम 52 कार्ड्स था, यस 52 कार्ड्स होते हैं, आप कोई भी नंबर ले सकते थे, 22 बोला फिर चेंज करके 25 गया। यस अब देखो यहाँ पर अगर तुम ये सारे कार्ड को लेते 20 अगर फोर लेते तो क्वीन ऑफ डायमंड डिफरेंट 23 22 या जो भी है, ये सारे नंबर में अगर लेता तो ये सारे कार्ड्स आता, ऑल आर डिफरेंट। यस ऑल आर डिफरेंट, मैं पहले दिखा दूँ, ये कार्ड्स हमारे लिए ओके सारे डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स हैं, इसमें से अगर कोई भी नंबर तुम बोलते तो वो डिफरेंट डिफरेंट चॉइस होता। अब देखना ये है कि इसमें कौन सा कार्ड्स आया है, दिस इज 3 of hearts। अब मैंने जो प्रिडिक्ट किया है वो खोलो और देखो उसमें मैंने क्या लिखा है, दिस इज सो यूनिक एंड पावरफुल ट्रिक्स। खोलो, दिस इज 3 of hearts। अगर मैं इस कैमरे पे भी शो करा देता हूँ, अगर कैमरे पे नहीं आ रहा है तो दिस इज 3 of hearts। यस दिस इज, ये काफी यूनिक है और पहले से आप माइंड को रीड कर सकते हैं। तो गाइस देखा आपने कितना अमेजिंग माइंड रीडिंग इफेक्ट्स हैं, ऐसे कई अमेजिंग माइंड रीडिंग इफेक्ट्स मैंने अपनी बेसिक कोर्स के अंदर सिखा रखा है। अगर आप भी मेरा माइंड रीडिंग बेसिक कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा मेरा साइट का, या चाहे तो आप सर्च कर सकते हो tutorialguruji.in, जहां पर आपको हर एक माइंड रीडिंग बेसिक कोर्स से लेकर बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप भी जाकर चेक कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।